शालोम। आइए आज हम अपने दमागों पर फतह हासिल करें। वेलकम फ्रेंड्स टू माई चैनल। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आवर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। इंसानी जिस्म की पेचीदगियों में इंसानी दिमाग पेचीदा तरीन हिस्सा है जिसे इंसान आज तक समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें जितना गहरे में जाता है उतना ही हैरत में मुब्तला होता जाता है। नवंबर 2017 में नेट पर दिमाग को समझने के हवाले से एक आर्टिकल अपलोड किया गया जिसमें एम्ब्रोस बियर्स, जो कि कहानी निगार था, उसने दिमाग के बारे में लिखा कि दिमाग को कोई समझ नहीं सकता सिवा खुद उसके। 1911 में एक सवाल किया गया कि क्या दिमाग को खुद इंसान समझ सकता है। इसके जवाब में थके हुए साइंसी माहिरीन ने कहा कि इंसान अपने ही दिमाग को नहीं समझ सकता। इंसानी दिमाग हमेशा से एक गुत्थी रहा है। दुनिया में एक कौल बोला जाता है कि इंसान दिमाग का हासिल है, यानी इंसान की वजह कता सब दिमाग की तख्लीक है। अजीजों, ये सब बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि इंसानी दिमाग असल में इंसान का वो CPU है जो तमाम जिस्म को कंट्रोल करता है। अगर ये बीमार हो जाए तो इंसान का वजूद, पूरे का पूरा वजूद बीमार पड़ जाता है। लिहाजा इसका तंदुरुस्त रहना बहुत ज़रूरी है। रूहानी तमाम मामूलात यहीं पर चलते हैं। शैतान और बुराई का जन्म भी यहीं पर होता है। खुदा और अच्छाई की सोचें भी इसी में होती हैं। इस एक दिमाग में ये सब कुछ उस वक़्त शुरू होता है जब इंसान बलूगत में कदम रखता है। उसे अच्छाई बुराई का गुमान होने लगता है। वो इंसान पहले जो कुछ करता है वो भी अच्छा ही होता है, लेकिन खुद उस इंसान को बलूगत में ही इस अच्छाई या बुराई के बारे में मालूम होता है। पलूस रसूल ने इफ्सियों 6 बाब उसकी 12वीं आयत में कहा कि हमारी जंग जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है। अजीज़ों, ये रूहानी जंग कहाँ वाक़या होती है? ये किस मैदान में लड़ी जाती है? हाज़रीन ग्रामी, ये मैदान जंग कहीं और नहीं बल्कि हमारे जिस्म का दिमाग है। इल्म नफ्सियात में इंसानी दिमाग के 3 हिस्से हैं: शाऊर, लाशाऊर और तहतुल शाऊर। लाशाऊर में हर बुरी ख्वाहिश और हैवानी खसरत पलपती है। तहतुल शाऊर में अचानक से कुछ बातें वकूम पजीर होती हैं, इरादे आते हैं, मंसूबे आते हैं। और शाऊर इंसानी दिमाग का ज़ाहरी हिस्सा है जो दुनियावी बातों पर या तजुर्बात से वाकिफ़ होता है। रूहानी मैदान जंग असल में दिमाग के वो हिस्से होते हैं जो कि लाशाऊर और तहतुल शाऊर हैं, जहाँ बुराई या शैतान या रूहानी ताकतें असर डालती हैं। अगर वो हिस्से बुराई ने फतह कर लिए तो समझ लीजिए आपके शाऊर पर फिर बुराई का ही राज होगा, लेकिन अगर वो हिस्सा अच्छाई ने फतह कर लिया तो फिर आप एक अच्छे इंसान होंगे। अजीज़ों, हमें आज अपने दिमाग की इस रूहानी जंग को जीतना है, और ये तभी मुमकिन है जब हम दुआया तौर पर मजबूत पाकों से मुलब्बस होंगे और खुदा के पाक कलाम की तलवार बखूबी चला सकेंगे। यकीन जानिए तब फतह हमारी होगी, क्योंकि खुदावंद यीशु ने भी ऐसे ही शैतान, कब्र और मौत को फतह किया है। तो आइए आज हम अपने दिमागों में होने वाली जंग को समझें और यीशु के नाम में अपने दिमागों पर फतह हासिल करें, क्योंकि तभी हम अपने जिस्म को खुदा की बंदगी में मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर सकेंगे। सलामत रहें।